अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से तमाम दलीलें चल रही हैं और हमारे संवाददाता आपको वो पूरी जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन मौसमी क्या स्ट्रैटेजी इस समय इंडिया गठबंधन सोच रही है? देखिए बिल्कुल आपने ठीक बात कही श्वेता, और जैसे मुनीश भी बता रहे थे कि ये लीगल एंगल जो पॉलिटिकल एंगल है उससे जुदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस लीगल एंगल में बहुत ही भारी भरकम पॉलिटिकल एंगल है। और यही वजह है कि अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि ये पहली बार है कि एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया है, ये पहली बार है कि एक पार्टी के सब टॉप नेताओं को आपने गिरफ्तार कर लिया है, और ये पहली बार है कि एक चुनाव के मौसम में एक लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरह से सैबोटाज की जा रही है। और उधर ही आप देखिए कि महज एक सवा घंटे बाद पूरा मल्टी पार्टी डेलीगेशन, तृणमूल कांग्रेस भी इसमें शामिल होगी, डीएमके के नुमाइंदे होंगे, लेफ्ट के नुमाइंदे होंगे, और तमाम जो रीजनल पार्टीज हैं वो कांग्रेस के पास समेत इलेक्शन कमीशन के पास जाने वाले हैं कि ये आम आदमी पार्टी जितनी सीटों पर लड़ रही है एक तरीके से ऑपोजिशन के खिलाफ सरकार ने इस तरह से एजेंसियों द्वारा घेराबंदी करने की कोशिश कर रही है, और एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार करना है ताकि वो पंजाब हो या दिल्ली हो या हरियाणा हो, जहां जहां चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां पे वो अपना दमखम ना दिखा सके और बीजेपी को इससे फायदा मिले। तो ये सियासी रूप से भी पूरी तरह इंडिया ब्लॉक भुनाने और जताने की कोशिश करेगा कि अरविंद केजरीवाल को बदले की भावना से और सियासी रंजिश की भावना से और उनको उनकी पार्टी को खत्म करने के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है, इस तरह की दलीलें दी जा रही हैं। ये कहा जा रहा है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि अगर ईडी के पास संजय वाकई सब कुछ था तो फिर अब उनके रिमांड की आवश्यकता क्यों हो रही है? जी हाँ बिल्कुल, अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी के का ये मौसमी ने कहा वो तो बिल्कुल सही है कि पहली बार ऐसा है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, पहली बार ऐसा है कि एक पार्टी के शीर्षस्थ चार नेताओं को अंदर डाल दिया गया, और ऐसा उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे पहला वोट डालने के पहले ही आपको नतीजे पता चल गए हैं। तो ये राजनीतिक वेंडेटा के तहत यानी राजनीतिक बदले की भावना से ऐसा किया गया है, और उनका ये कहना है कि ये ऐसा ईडी का नया पैंतरा है जिसमें पहले गिरफ्तार करते हैं और उसके बाद अपने मनमाग फीक उन सारे लोगों से बयान दर्ज करवाते हैं, फिर उन्हें सरकारी गवाह बनवा देते हैं, उनसे उनको वो आजाद हो जाते हैं और ईडी को एक बहाना मिल जाता है किसी भी आदमी को टारगेट करने का। तो सभी बड़े नेता जेल में है, चुनाव नजदीक है, संविधान की मूल संरचना प्रभावित हो रही है जिसमें संविधान कहता है कि सबको चुनाव लड़ने के लिए किसी भी चीज के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सबको समान अवसर मिलने चाहिए। तो आम आदमी पार्टी को इस लोकतंत्र में, लोकतंत्र के इस महान पर्व में समान अवसर नहीं दिया जा रहा है, किसी तरह का भेदभाव है। और साथ ही ये भी कहा है कि जिस तरह से ईडी हवा हवाई चीजों से हमारे खिलाफ माहौल बना रही है वो ईडी की स्वतंत्र कार्यप्रणाली का द्योतक नहीं है, ये द्योतक है कि ईडी ये साबित करे, साबित क्यों नहीं करती कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत क्या थी, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि गिरफ्तारी का पावर होना अलग चीज है और गिरफ्तारी की अनिवार्यता होना वो अलग चीज है, लेकिन शक्ति होने का मतलब ये नहीं है कि आपको गिरफ्तार करना ही है। और ईडी ये नहीं बता रही है साफ साफ कि गिरफ्तारी की जरूरत क्या थी, जब ये कह रहे हैं कि हमारे पास इनके खिलाफ सब कुछ है, जब सब कुछ है तो गिरफ्तार करके और कस्टडी लेने की जरूरत क्या है, फिर तो आपके पास सब कुछ है, आप सिद्ध कर दीजिए। तो ये तमाम चीजें वहां चल रही हैं। अब ये देखना जरूरी है कि कितनी देर में केजरीवाल की तरफ से जवाब दाखिल, ये जवाबी दलील दी जाती है और उसके बाद अदालत आदेश लिखने में कितना समय लगाती है, क्योंकि ऐसा नहीं इन सारे मामलों में, चूंकि मामले ऊपर तक जाते हैं इसलिए ऊपर तक मतलब ऊपर की अदालत तक, तो ऐसे में लोअर कोर्ट या ट्रायल कोर्ट या विशेष कोर्ट उसमें इतने सारे मजबूती ढंग से और इतने तर्कों के साथ अपना वो आदेश देती है जिसमें कि आगे उसको चैलेंज किया जाए तो उसमें किसी तरह की कोई पलटने की गुंजाइश ना रहे। तो ऐसे में ये भी है कि इन तमाम दलीलों के बाद अदालत आदेश लिखवाएगी और लिखवाने में कितना समय लगता है ये भी देखना दिलचस्प होगा, कम से कम घंटा भर तो मुझे लगता है कि जरूर वो होगा। और ये जरूर है कि रिमांड को लेकर
10 दिन की रिमांड मांगी गई है, तो मुझे लग रहा कम से कम 7 दिन की रिमांड तो शायद ईडी को मिल जाएगी केजरीवाल के लिए। तो जो आरोप मुनीश लगाए जा रहे हैं ईडी पर कि अगर सारे के सारे सबूत आपके पास हैं तो आपको आगे क्या चाहिए, आगे क्या क्या चाहिए, ईडी क्या करना चाहता है इस रिमांड के दौरान? जी देखिए, ईडी साफ तौर पे ये साबित करना चाहता है कोर्ट के सामने कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को सिर्फ गिरफ्तार करने की जरूरत ही नहीं बल्कि उनसे पूछताछ करने की जरूरत क्यों थी। देखिए, ये बात सही है कि अगर आपने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं तो आपको किसी को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। कई ऐसे मामले हैं जहां पर हमने देखा है कि ईडी या सीबीआई सीधा चार्जशीट फाइल कर देती है, लेकिन गिरफ्तारी की वजह जो होती है उसमें यह भी होता है कि आपके खिलाफ में अगर सबूत हैं तो जरूरी है कि उन सबूतों से आपका आमना सामना कराया जाए ताकि मामले की जब ट्रायल शुरू हो तो ईडी के पास में वो सबूत हो कि देखिए हमने इन साक्ष्यों से, इन सबूतों से इनका हमने आमना सामना कराया था कस्टडी के दौरान, लेकिन इन्होंने उस पे जवाब नहीं दिया या इनके जवाब गलत थे और इस जवाब को गलत प्रूफ करने के लिए भी हमारे पास में सबूत हैं। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है श्वेता कि किसी की गिरफ्तारी के वक्त में कुछ प्रोसीजर्स होते हैं उसको फॉलो करने पड़ते हैं, गिरफ्तारी के दौरान कुछ प्रोसीजर्स होते हैं उसको फॉलो करने होते हैं। चूंकि मामला मुख्यमंत्री का है इसके लिए ईडी भी फूक फूक कर कदम रख रही है। ईडी ने शुरुआत ही इस बात से की थी आज पूरे मामले के कि हमने सारे कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया हुआ है, ना सिर्फ तलाशी अभियान के दौरान, ना सिर्फ गिरफ्तारी करने के दौरान या बल्कि गिरफ्तारी के बाद भी, जबकि उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि 24 घंटे के अंदर उन्हें कोर्ट के सामने पेश भी कर दिया गया है। उसके अलावा ईडी का यह भी कहना है कि जो कि उन्हें बाद में इस बात को ईडी बोल सकती है, लेकिन जरूरत क्यों पड़ी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की? कई बार ऐसा देखा गया है कि जो जांच एजेंसियां होती हैं, खास करके जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं जैसे सीबीआई हो जाए या ईडी हो जाए, कई बार ये बड़े लोगों को, चाहे मनीष सिसोदिया की बात करिए या संजय सिंह की या अरविंद केजरीवाल की, इनको गिरफ्तार इसके लिए करती हैं क्योंकि वो एक पावरफुल पोजीशन में रहते हुए कहीं सबूतों के साथ में छेड़छाड़ न करें, कहीं जो इसमें गवाह हैं उनको गुमराह करने की कोशिश न करें, और इसीलिए जब सबूत पूरी तरह से इकट्ठा हो जाते हैं, पुख्ता हो जाते हैं, तो गिरफ्तारी की जाती है। हमने हाल ही में देखा था कि मनीष सिसोदिया के बेल एप्लीकेशन के मामले में उनकी बेल सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट हुई थी क्योंकि कोर्ट के सामने ईडी ने कहा था कि अगर ये बेल पर जाते हैं तो ये एक बड़े आदमी है, इनका रुतबा काफी बड़ा रहा है सरकार में, तो ये सबूतों के साथ में छेड़खानी करना चाहते हैं, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल को डिनाई कर दिया था, यानी कि उनकी बेल को खारिज कर दिया गया था। आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल का एसोसिएशन सीधा विजय नायर और मनीष सिसोदिया से दिखाया गया है, तो ईडी के सूत्रों से जब हमने बातचीत की कि आखिरकार जरूरत क्या थी गिरफ्तार करने की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर सबूत सीधे तौर पे किसी के खिलाफ में इशारा कर रहे हैं और हमें अधिकार दिया गया है कि अगर किसी ने कुछ गुनाह किया है तो हम गिरफ्तार कर सकते हैं, तो उसी बिना पर हमने गिरफ्तारी यहां पर की है। श्वेता, जिस तरह की बातें अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कही जा रही हैं, पीएमएलए कोर्ट में क्या उस तरीके से उसे लिया जाएगा पता नहीं, संविधान की बात, निष्पक्ष चुनावों की बात, ये सारी चीजें हो रही है, मुमकिन है कि पीएमएलए कोर्ट से रिमांड हो और उसके बाद आगे, चूंकि सुप्रीम कोर्ट को कल रात ही अप्रोच करने की कोशिश आम आदमी पार्टी की लीगल टीम की तरफ से की गई थी पीयूष, और अभी यहां पर दिए गए रिमांड के साथ मामला अदालती तौर पर भी उसका पटाक्षेप नहीं होगा। जी बिल्कुल, कल ही आम आदमी पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई थी, उन्होंने ये कहा था कि जो गिरफ्तारी होने वाली है, हालांकि वो गिरफ्तारी होने से पहले ही आम आदमी पार्टी पहुंच गई थी क्योंकि उनको आशंका यही थी कि जिस तरह से बंदोबस्त है और जिस तरह से ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पे पहुंची है तो वो उनको अरेस्ट करने ही आई है, और इसीलिए आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, लेकिन उनकी बात सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हुई लेकिन सुनवाई आज सुबह ही होने वाली थी, उससे पहले ही उन्होंने अपनी जो प्ली है उसको विड्रॉ कर लिया, क्योंकि अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि वो लीगल तरीके से और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी की अगर हम बात करें तो अभिषेक मनु सिंघवी ने, पीयूष एक बार सुनाते हैं केजरीवाल की कुछ कह रहे हैं। मेरे जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर, मेरे जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर, मेरे जीवन देश के लिए। केजरीवाल को जब पेशी के लिए ले जाया जा रहा है तो उन्होंने रुक कर कहा मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। पीयूष अपनी बात पूरी करें, क्योंकि ये जिस समय पर, क्योंकि टाइमिंग का सवाल उठाया जा रहा है लेकिन टाइमिंग वाकई बहुत विकट है सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए।
पीयूष बात पूरी और इसीलिए अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर भी आ रहे हैं कि मेरा जीवन जी जी श्वेता और इसीलिए हम देख भी रहे हैं अरविंद केजरीवाल कह भी रहे हैं कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। ये वो उस वक्त का वीडियो है जब उनको राउसवनी कोर्ट में लाया गया था और उससे उनसे सवाल किए गए थे कि उनका रिएक्शन क्या है। पहला रिएक्शन ये पहला कमेंट कहीं ना कहीं हम मान भी सकते हैं अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट होने के बाद। हम बता रहे थे कि कैसे अभी फिलहाल जो कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की दलील को सामने रखते हुए उनका पक्ष रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दो से तीन बड़ी बातें कही उनमें सबसे बड़ी बात ये कि अगर ईडी के पास अरेस्ट करने की शक्तियां हैं तो जरूरी नहीं कि वो अरेस्ट ही कर लेंगी। तो दूसरी बात वो कही गई सिंघवी के द्वारा कि इस पूरे मामले में ये दिखता है कि कैसे पूरा जो लीडरशिप है आम आदमी पार्टी का उनको ही गिरफ्तार कर लिया गया, चाहे मनीष सिसोदिया की बात हो, सत्येंद्र जैन की बात हो, संजय सिंह की बात हो, अब अरविंद केजरीवाल। तो कहीं ना कहीं जो बड़े नेता है आम आदमी पार्टी के वो फिलहाल जेल के अंदर है और ये लेवल प्लेइंग फील्ड के हिसाब से ठीक नहीं है। और ना सिर्फ राजनीतिक बात बल्कि पीएमएलए प्रोविजन के बारे में भी इस वक्त अभिषेक मनु सिंघवी बता रहे हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी ये दलील देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो है कॉपरेट करने की पूरी कवायद रखी, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर हम जो बातें जो शक्तियां एनफोर्समेंट डायरेक्टर के पास है तो वो अरेस्ट ही कर ले, ये बात अभिषेक मनु सिंघवी ने कही। लेकिन इसके एवज में इसके ऑपोजिशन में ईडी ने जो सबसे बड़ा आरोप ये लगाया अरविंद केजरीवाल पे कि इस पूरे मामले के इस पूरे करप्शन के सरगना है अरविंद केजरीवाल। उन्होंने ना सिर्फ फेवर्स लिए बल्कि साथ ही साथ इस पूरी पॉलिसी में आबकारी नीति में बदलाव भी किए और वो बदलाव इसलिए किए गए ताकि साउथ कार्टल को फायदा हो और उसके बाद जो किकबैक्स हैं वो फायदा जो है सब्सिक्वेंट फायदा वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को मिले। और हमने देखा कि कैसे ईडी ने यह भी कहा कि उन पैसों का जब पैसे मिले तो उन पैसों का इस्तेमाल चुनावों में किया गया। तो आरोप वर्सेस एलिगेशन वर्सेस काउंटर एलिगेशन की जो बात इस वक्त कोर्ट में चल रही है, अरविंद केजरीवाल जरूर कह रहे हैं कि उनका जीवन देश के लिए समर्पित है। जिस तरह की बातें ईडी ने आज कही हैं, इससे पहले मनीष सिसोदिया को लेकर भी कही गई थी कि कैसे मनी ट्रेल साबित हुआ। इसमें जो सबसे बड़ा नाम निकल के आया है वो विजय नायर का। विजय नायर की बात ये कही गई कोर्ट के द्वारा कि विजय नायर साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बीच के कड़ी थे, वो लिंक थे और वो अरविंद केजरीवाल के घर के पास में ही रहा करते थे। आप बता दें कि विजय नायर ने आम आदमी पार्टी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज थे और जब उनकी गिरफ्तारी हुई श्वेता तब उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बाहर निकल के आए थे। उन्होंने कहा था कि एक वेंडेटा के तौर पे किया जा रहा है चुनावों से ठीक पहले हमारे कम्युनिकेशन इंचार्ज को। अब ये बातें बोलने वाली वैसी कोई प्रबल आवाज मौसमी बाहर बची नहीं। गिने चुने ऐसे नेता हैं जिनकी एक आवाज पर शायद कार्यकर्ता उठकर चले आए, जो बड़े नेता थे एक एक करके वो सब जेल में। हेमंत सोरेन की जब गिरफ्तारी की गई उससे ठीक पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, पर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। आतिशी कहती है सरकार जेल के अंदर से ही चलेगी, पर आम आदमी पार्टी को भी मालूम है ये इतना आसान नहीं होगा। देखिए श्वेता, जो बात आप कह रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली का अपने आप में एक स्पेशल स्टेटस है देश की राजधानी होने के नाते, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये अधिकार है। इसमें एक प्रोविजन भी है कि अगर उनको लगता है कि सरकार जो है दिल्ली सरकार में ठीक से नहीं चल पा रही है या कोई आपातकालीन स्थिति है तो वो ये दरख्वास्त भी कर सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो। और ये इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है और उसके पास लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये पावर्स है कि वो संविधान के रूल के तहत ये दरख्वास्त राष्ट्रपति शासन की कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को कह सकते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि आगे आम आदमी पार्टी क्या करेगी। अगर रिमांड में लिया जाता है तो अगर 10 या 15 दिन की रिमांड मिलती है तो क्या 10-15 दिन के लिए ट्रायल पर अरविंद केजरीवाल, जिस तरह से आतिशी ने कहा कि जेल से ही सरकार चलाएंगे, ये एक अजीबोगरीब स्थिति आम आदमी पार्टी के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि जितने बड़े चेहरे थे, मनीष सिसोदिया, सतीन जैन, संजय सिंह, लेफ्ट एंड राइट हैंड मैन माने जाते थे अरविंद केजरीवाल के, एक
सदन में नेता था, एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर था, तमाम पोर्टफोलियो उनके पास थे। पूरा वाइप आउट हो गई है एक आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप। अगर आप एक्शन मोड या अरेस्ट से परे कहे तो ये बहुत आपातकालीन स्थिति अभी फिलहाल तो आम आदमी पार्टी के लिए पैदा हो गई जहां तक संगठन का सवाल है। और यही पे ईडी ने भी कहा है, इसको एक प्रिमाइस बनाया है कि आप ये ऑर्गेनाइजेशन देखिए आम आदमी पार्टी का, इनका स्ट्रक्चर देखिए, और इसमें जो मुख्य से है या जो चीफ डिसीजन मेकर है, जो टॉप मोस्ट लीडर है, वो अरविंद केजरीवाल है। और इस तरह से उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी इस पूरे एक्साइज स्कैम में लाने की कोशिश की है ईडी की तरफ से। और जो पॉइंट मैं एक और ऐड करूंगी, जो पॉइंट आप कह रही थी अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं, जो पॉलिटिकल एंगल देख रहे हैं यहाँ पे राउस एवेन्यू कोर्ट में, वो दलील कितनी चलेगी हमें देखना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि ईडी को लग रहा है कि बहुत बड़ी ट्रॉफी उनने हासिल कर ली है, वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। इस तरह की दलील में अब अभिषेक मनु सिंह भी आप देखें तो साक्ष्य रखना उन्होंने शुरू किया है। आप कह रहे हैं कि अप्रूवल्स हैं, 80% लोग जो हैं उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया जिनको आपने अरेस्ट किया, 80% ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल से नहीं मिले। और एक एक करके अब अरविंद अब अभिषेक मनु सिंह भी उस बारे में आगे बता रहे हैं। जाहिर तौर पे जो गिरफ्तारी का आधार ईडी ने सामने रखा है उसको लेके अब बाल की खाल अभिषेक मनु सिंह की तरफ से जो है उधेड़ी जा रही है। ये देखिए, ईडी की तरफ से पहले सारी दलीलें रखी गई हैं, उसके बाद अब अभिषेक मनु सिंह भी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं केजरीवाल को, वो अपनी बातें कह रहे हैं। लेकिन संजय, सरकार को जेल के भीतर से चलाना ऐसा नहीं है कि ईडी अगर रिमांड मांग रही है चाहे 7 दिन का दिया जाए या 10 दिन का, उसमें पूछताछ होगी, उसमें एक मुख्यमंत्री के रूप में वो काम नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं लगता श्वेता कि ये 10 दिन के बाद चीजें सब सामान्य हो जाएंगी, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और जेल से सरकार चलाना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जेल से बैठ के आप फरमान जारी कर दीजिए और हो जाएगा। आपको हर फाइल जेल में जाने के लिए अदालत से परमिशन लेनी पड़ेगी, और जब जब आपकी कैबिनेट की मीटिंग होगी, अफसरों के साथ आपकी मीटिंग होगी, हर चीज के लिए अदालत का मोहताज होना पड़ेगा, अदालत का मुंह देखना पड़ेगा। अदालत अपनी छुट्टियों में भी जाती है, आप संडे सैटरडे को भी कोई डिसीजन लेना चाहें, कुछ ऐसी इमरजेंसी हो, आप क्या करेंगे उसके लिए। तो इसलिए ये कहना जितना आसान है जेल से हम सरकार चला लेंगे, ये उतना ही मुश्किल है इसको अमल में लाना। तो यानी ये चीजें अदालत के आगे कह भी देंगे तो उसमें अदालत के लिए विशेष इंतजाम कराने पड़ेंगे कि जेल से आप सरकार कैसे चलाएंगे। तो ये संदेश देना बहुत आसान है कि हम जेल से सरकार चला लेंगे, लेकिन जो तकनीकी और कानूनी और प्रक्रियात्मक जो बाधाएं अड़चने उसमें आएंगी, उसको कैसे दुरुस्त करेंगे, उसको सरकार के ऑर्डर से, गवर्नमेंट ऑर्डर से दुरुस्त नहीं किया जा सकता है। उसके लिए आपको अदालती प्रक्रिया, अदालती आदेश लेना पड़ेगा, और हर चीज के लिए लेना पड़ेगा। जैसे आप विदेश जाते हैं, कोई आदमी अगर अक्यूज है और उसका पासपोर्ट जब्त है, जमानत पर बाहर है, तो जितनी बार विदेश जाएगा उतनी बार उसे अदालत से कहना पड़ेगा मेरा पासपोर्ट रिलीज कर दिया जाए, मुझे वहां जाना है। तो हर चीज के लिए अदालत से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसमें वक्त लगता है। अदालत कोई आपके लिए हमेशा 24 घंटे बैठी नहीं है कि वो इंतजार करेगी कि हाँ साहब दिल्ली सरकार का ये ऑर्डर आएगा और हमें उस पर ऑर्डर करना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें प्रक्रियागत चीजों का पालन करना पड़ेगा, और ये इतना आसान नहीं होगा। ये कहना कि हम अदालत से सरकार चला लेंगे तो वो नहीं होगा, ये एक संदेश जरूर दिया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि 10 दिन के रिमांड के बाद केजरीवाल वापस आ जाएंगे, और ये तो अभी शुरुआत है, इसमें कितना समय लगेगा। अगर हम देखें तो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह तो हाल में ही गए हैं, तो इनके अभी कितना समय हो गया है, क्योंकि पीएमएलए एक्ट में एक बार चार्जशीट दाखिल हो जाए, चीजें अंदर हो जाए, उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि जमानत के लिए बाहर आने के लिए 2 कसौटियों पर कसा जाता है पूरा मामला। एक तो ये कि अदालत को ये भरोसा हो जाए कि इस आदमी का इस अपराध से कोई लेना देना नहीं है, इसके तार इससे नहीं जुड़े हैं। दूसरा ये कि अगर हो भी जाता है तो भविष्य में ये आदमी ऐसा नहीं करेगा। तो ये 2 कसौटियां इतनी सख्त हैं कि इस पर चीजों को कसना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इस पर चीजें बिल्कुल खरी 24 कैरेट बाहर आ जाएं, ये भी नहीं होता है। इसीलिए पीएमएलए एक्ट को इतना सख्त माना जाता है, और ईडी के मुकदमों को इतना ज्यादा, उसका शिकंजा ईडी का इतना ज्यादा कसता है कि उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है।
ईडी कितना कॉन्फिडेंट है रिमांड हासिल करने को लेकर, उनको छोड़ सकती है? ईडी तो बहुत कॉन्फिडेंट है, ईडी ने जितने तरह के सबूत दिए हैं और तमाम चीजें बताई हैं, तमाम गवाहों के बयानों का हवाला दिया है, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि ये सारी चीजें हवा हवाई हैं और इसमें ईडी ने पहले लोगों को गिरफ्तार किया, फिर उनको समझाकर उनको सरकारी गवाह बनाया, उनसे अपने मन मुताबिक बयान दलवाए और उसके बाद उनको जमानत पर बाहर करवा दिया। देखिए, ईडी की तरफ से जो दलीलें रखी गई हैं, ईडी का साफ कहना है कि सिर्फ स्टेटमेंट्स के आधार पे गिरफ्तारी नहीं किया गया है, स्टेटमेंट्स के अलावा उनके पास कई ऐसे दस्तावेज हैं जो चैट्स के तौर पे हैं, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स के तौर पे हैं, और उन्होंने जो मनी ट्रेल एस्टैब्लिश किया है, एक कंपनी जो विजय नायर के साथ जुड़ा है, जिनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मिडलमैन बताया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का कहना है कि इन चार रूट्स के वाया जो 45 करोड़ रुपए अलेजिडली गोवा के फंड्स में दिए गए वो एस्टैब्लिश हुए हैं। इसके अलावा जिनको पैसे दिए गए हैं, जो ईडी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के गोवा विधानसभा चुनाव में जो कैंडिडेट्स थे उनको पैसे दिए गए थे इलेक्शन लड़ने के लिए, ये वही कैश पेमेंट्स है जो किकबैक्स के तौर पे साउथ काटल से आम आदमी पार्टी को बेनिफिट्स देने के तौर पे मिले थे। ईडी का जो पूरा ग्राउंड्स है वो सिर्फ स्टेटमेंट्स पे नहीं है। अगर हम अभिषेक मनु सिंघवी की रिबटल को देखें, उनका ये कहना है कि सिर्फ स्टेटमेंट्स आधार नहीं बन सकती, जो एक तरीके से सिंघवी का कहना है कि ये एक पैटर्न बन चुका है कि पहले कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं, फिर उन पे दबाव बनता है, बेल नहीं मिलती है, फिर वो अप्रूवर बन जाते हैं, तो इन अप्रूवर को पूरे उनके फेस वैल्यू पे नहीं ले जाना चाहिए। क्या ये दलील जज मानेंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन ईडी के अगर हम डिपोजिशंस को देखें, ईडी का साफ कहना है कि हम सिर्फ स्टेटमेंट्स के आधार पर नहीं जा रहे हैं, हमारे पास कोरोबोरेटिव एविडेंस है, जो चैट्स, सीडीआर, मनी ट्रेल और जिनको पैसे भी मिले हैं उनके स्टेटमेंट्स के तौर पर मिले हैं। पीयूष, अभी जो सुनवाई चल रही है उसमें सिंघवी की तरफ से दलीलें अभी भी जारी हैं? जी बिल्कुल श्वेता, दलीलें अभी भी जारी हैं और सिंघवी वही बात कह रहे हैं कि जिन लोगों को पहले आरोपी बनाया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है और उन पर जब दबाव बनाया जाता है तो वो अप्रूवर बन जाते हैं, इस तरह की बातें अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं। और साथ ही साथ वो ये बात भी कह रहे हैं कि जिस जो ईडी के पास अगर कुछ ऐसी शक्तियां हैं तो उन शक्तियों का इस्तेमाल, मिसयूज जो है वो नहीं किया जा सकता। वो और जो लोग अरेस्ट हुए हैं, चाहे वो राघव मुकुंडा रेड्डी हो या इसके अलावा जितने भी आरोपी हो, उनका नाम ले रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे ये लोग अप्रूवर बने, ये सब चीजें इस वक्त अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी उनको डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ईडी ने आरोप जो है वो काफी गंभीर लगाए हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल को न सिर्फ सरगना कहा गया बल्कि ये भी कहा गया कि उन्होंने पैसे जो है वो काफी भारी मात्रा में लिए और आबकारी नीति को ट्वीक करने के लिए, उसमें बदलाव करने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया, जिस वजह से ना सिर्फ के कविताओं का फायदा हुआ बल्कि साउथ काटल को फायदा हुआ और उसके बाद जो पैसे मिले उनका इस्तेमाल गोवा चुनावों में किया गया। यही कहा गया है कि सारे सबूत हैं, मजबूत सबूत हैं और 10 दिनों के रिमांड की मांग की जा रही है।